25 सितंबर एक महत्वपूर्ण दिन, एक संघर्षपूर्ण दिन जो अन्नदाता है, जो किसान अपने मेहनत खून पसीने का मेहनत करके पूरे देश को अन्न देने का काम करता है, खिलाने का काम करता है। मौजूदा एनडीए की सरकार उसका पूरी तरीके से शोषण किया जा रहा है। किसान आज कितने मजबूर है, लाचार है, बेबस है, पूरी तरीके से टूट चुका है, क्योंकि कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने तीन विधेयक जो है कृषि का लेकर के आया, जिसका किसानों में भारी निराश और आक्रोश है। हम लोग शुरू दिन से ही कहते रहे हैं कि ये मौजूदा सरकार जो है किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, गरीब विरोधी है। आप सब लोगों ने देखा कि किस प्रकार से जितने मजदूर हैं उनके पैरों में छाले पड़ गए, कितनों की जिंदगी चली गई एक्सीडेंट में, कितने भूखे मर गए, कितने बेबस दिखे, 1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर पैदल चल करके वापस यहाँ जो मजदूर पहुंचे, जिसका आंकड़ा लगभग 40 लाख लोगों की थी। आने के बाद उनको बेइज्जत किया गया, एक चिट्ठी निकाला गया, अपराधी बोला गया, जलील किया गया, और आज जहां एयर इंडिया को बेच दिया जा रहा है, रेलवे को बेच दिया जा रहा है, बीएसएनएल को बेच दिया जा रहा है, एक सेक्टर आपका जो कृषि का रह गया था, एग्रीकल्चर का रह गया था, उसको भी ये सरकार ने निजीकरण यानी कि कॉर्पोरेट्स के हाथों में ये मौजूदा सरकार ने पूरा दे दिया है। यानी इस बिल के बाद कोई भी नियंत्रण जो होगा वो सरकार का नहीं रहेगा, और इसकी जो सबसे बड़ी जो वजह है, जिसका हम लोगों को संदेह है, जो कि बिहार में हुआ है, जो बिचौलिया है, जो जमाखोर है, उनका पूरी तरीके से बोलबाला हो, किसानों का शोषण किया जाएगा, जो एमएसपी जिक्र किया गया, इसकी किसान जिक्र कर रहे हैं, जो एमएसपी का क्यों नहीं जिक्र किया गया पूरे बिल में, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसका हम लोगों ने पहले भी उदाहरण दिया कि बिहार ऐसा पहला राज्य है जहां नीतीश कुमार जी ने 2006 में एपीएमसी को रद्द किया गया, इतनी बाजार समिति थी उसको रद्द किया गया। ये बड़ा कारण रहा जिससे हमारे किसान और गरीब होते चले गए और पलायन पर जो है मजबूर हो, ये बिहार ने देखा है। अभी कल हमने नीतीश कुमार जी का बयान देखा, नीतीश कुमार जी कहते हैं कि दूसरों की बात करते हैं कि उनको ज्ञान नहीं है, इसको ज्ञान नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है। ऐसा लगता है कि जितना ज्ञान है वो नीतीश कुमार जी को ही। हम पूछना चाहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री से, इससे पहले भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि एमएसपी जो मूल रेट जो था उसके 1% नीचे में गेहूं की खरीदारी हुई है बिहार में, जहां 1850 रुपये में जो एमएसपी 1% के हिसाब से जो था, यानी 1100 रुपये में उसका किसानों को मिला, यानी 750 रुपया बिचौलिया जमाखोर जो है वो था, इससे नीचे भी गया है। नीतीश कुमार जी बताएं कि आपके राज्य बिहार में एमएसपी क्यों नहीं है, और क्या फल स्वरूप रहा जब से एपीएमसी को 2006 से रद्द किया गया। किसान पूरे देश भर में आंदोलन कर रहे हैं,
बड़ा आंदोलन अपना पंजाब से लेकर के हरियाणा से लेकर के यूपी बिहार, ये आंदोलन जो है तेजी से फैलता जा रहा है। हम इतना कहना चाह रहे हैं सरकार को थोड़ी सी भी चिंता नहीं है, लग रहा है कि कोई तानाशाह रवैया अपनाया जा रहा है और लोकतंत्र में जहां हमारा देश कृषि पर निर्भर करता है, जो किसान की वजह से रोटी चावल हम लोग खाते हैं, आज उसका दोहन सरकार द्वारा किया जा सकता है। जो अन्नदाता है ये सरकार अपने फंडदाताओं से फंडदाताओं की कठपुतली बना दिया गया है हमारे सारे अन्नदाताओं। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल मजदूरों के लिए हो, बेरोजगार नौजवानों के लिए हो, किसान गरीब के लिए हो, हमेशा से जो है संघर्ष और लड़ाई हम लोगों ने किया है। लेकिन सरकार को चिंता किसानों से नहीं है, किसानों की नहीं है, मजदूरों की नहीं है, बेरोजगारों की नहीं है, नौजवानों की नहीं है। ध्यान को और सही एजेंडे से भटकाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। हम लोगों ने मांग भी किया कि सरकार जो है जल्द से जल्द इस बिल को, अब तो पास हो गया, कानून हो गया, इस कानून को वापस लेने का काम करे। नहीं तो जिस प्रकार से आंदोलन बढ़ रहा है, किसानों की आत्मदाह की स्थिति जो है वो है बड़ी, इससे और बढ़ेगा, क्योंकि और शोषण होगा, बिचौलिया हो या कोई हो, उनका पूरी तरीके से जो है राज गायब हो जाएगा। इसलिए हम सब लोग जो है इस कानून का हम लोग विरोध करते हैं, हम लोग किसानों के साथ खड़े हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी ने कल कुछ कहा, आज उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता कुछ और को कहलवाने का काम कर, अब नीतीश कुमार जी अपने पार्टी से कह रहे हैं कि एमएसपी का जो है अमेंडमेंट होना चाहिए, एमएसपी का जिक्र उस बिल में होना चाहिए। यानी ठीक, अगर इतिहास देखेगा तो नीतीश कुमार जी ने हर बार जो है पलटी मारने का काम किया, चाहे नोटबंदी हो, समर्थन दे दिया फिर वापस हो गए, सीएए पे हो, लोकसभा में वोट दे दिया, राज्यसभा में वोट दे दिया, फिर हमारे विपक्ष के दबाव में यहाँ से जो है हम लोगों ने सर्वसम्मति से जो है हम लोगों ने पास किया। तो हर बार नीतीश कुमार की पलटी मार, अब जो ये बिल आया है इसके लिए उन्होंने पलटी मारने का काम किया। नीतीश कुमार जी को किसानों की चिंता नहीं है, गरीबों की चिंता नहीं है, मजदूरों की चिंता नहीं है, बाढ़ पीड़ितों की चिंता नहीं है, बेरोजगारों की चिंता नहीं है, उनको चिंता केवल अपनी कुर्सी की है। तो हम लोग आज पूरा राष्ट्रीय जनता दल हर जिला हर ब्लॉक पे हमारे कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया है, किसानों के साथ मजबूती के साथ राष्ट्रीय जनता दल का हर एक एक कार्यकर्ता, हर एक एक सिपाही उनके साथ खड़ा। आज चुनाव की घोषणा हो सकती है 12:30 बजे, तैयार है रेडी? देखिए, इलेक्शन कमीशन का अपना काम है, हम लोगों को जो इलेक्शन कमीशन में कहना था हम लोगों ने कह दिया, अब जो फैसला होगा वो हम लोगों को सुना लो। हम लोग हर एक तैयारी हमारी है, लेकिन हमसे ज्यादा तैयार बिहार का किसान है, बिहार का मजदूर है, बिहार का वो नौजवान जो बेरोजगार है, वो सरकारी कर्मचारी जिसने लाठी खाने का काम किया, वो महिलाएं जिसपे अपराध बढ़ा, भ्रष्टाचार जो बढ़ा, पूरी जनता बिहार की तैयार है एनडीए सरकार को इस बार सत्ता में बिल्कुल नहीं आने देगी बिहार की जनता, ये कंफर्म है। और कोई सवाल? ये समय है किसानों की बात करने का, मजदूरों के साथ खड़े होने का, सबका अपना अपना राय होता है। हमारा जो राय जनता तो सब देख रही है, किसान देख रहे हैं।
और जो रूपेंद्र कुशवाहा ही सर आपके नेतृत्व का सवाल उठा रहे हैं वो सुरक्षा कवच है वैसे आप देखिए सरकार जो है झूठ पे झूठ बोलने का काम ₹15-15 लाख रुपया मिला बिहार को स्पेशल पैकेज मिला बिहार को स्पेशल स्टेटस मिला मोतिहारी का चीनी मिल खुला क्या हर एक साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिला आप सरकार की बात मानो ये सरकार जहाँ किसान के साथ खड़ा होना चाहिए वहाँ दीपिका पादुकोण की चर्चा कर रही है रिया चक्रवर्ती की चर्चा कर रही है तो उसमें हम लोग जो है किसान के साथ खड़े हैं नाना शाह रवैया बिल्कुल इस लोकतंत्र में नहीं चलेगा प्रधानमंत्री जी से अपील है कि कम से कम किसानों को बुला के बात तो करें एक तरफा ही अपनी मन की बात सुनाते रहते हैं प्रधानमंत्री जी को जनता की देश की जनता की क्योंकि डेमोक्रेसी है लोकतंत्र है उनको बात सुनना होगा और समस्या का समाधान करना पड़ेगा सीट शेयरिंग का बुकिंग किसका हो गया वहां किसी का हो गया तो हमको बताइए हम भी हड़बड़ा जाए देखिए इस पे हमको कोई भी पार्टिसिपेट नहीं दिस इज टू अर्ली टू कमेंट ऑन दिस जल्दबाजी में इन मसलों पे कोई बयानबाजी नहीं करना बिहार की 12 करोड़ जनता परेशान है बेबस है लाचार है बेरोजगार है नौजवान किसान बदहाल है मजदूर का पूरी तरीके से जो है अपमानित किया गया ये समय है परिवर्तन का परिवर्तन लाने का इसलिए बिहार की जनता हमारा राष्ट्रीय जनता दल का तो सही मायने में अगर देखा जाए गठबंधन तो बिहार के किसानों से बिहार के मजदूरों से बिहार के नौजवानों से है जो गरीब है जो जनता है उनसे हमारा गठबंधन है हमारे महागठबंधन में कांग्रेस है कुछ लोगों की अपनी अपनी राय होती है लेकिन उसका एक सही प्लेटफॉर्म होता है प्लेटफॉर्म पर हमारे लेफ्ट के लोगों से बातचीत चल रही है उपेंद्र कुशवाहा जी कुछ दिन पहले ही हमसे मिल करके गए हैं वो इस सारी चीजों पर जो है बहुत जल्दबाजी में क्यों कमेंट किया हमको इस पे कमेंट दीपांकर भट्टाचार्य ने साफ कह दिया है कि समझौता अगर सामान्य नहीं होगा तो हम स्वतंत्र है दीपांकर भट्टाचार्य राष्ट्रीय महासचिव कहते हैं उपेंद्र कुशवाहा सम्मान तो सबको चाहिए ना सम्मान तो सबको चाहिए और सबको सम्मान चाहिए भी और देना भी होगा जो सम्मान देगा उसी को सम्मान मिलेगा ना जिसको आप सम्मान नहीं दीजिएगा आप उससे अपेक्षा सम्मान भी कैसे हालांकि हमारा कोई अपमान भी करे तो हम उसका सम्मान करते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी उम्र में हमसे बड़े हैं अनुभवी है लेकिन क्या ये समय किसानों के साथ खड़े होने का नहीं हम सब लोगों ने मिलकर के इलेक्शन कमीशन को दिया कि कोरोना में क्या स्थिति कोई भी मेरे को कितना भी अपमानित करेगा हम दूसरी नजर से नहीं देखेंगे पूरा सम्मान हर एक के लिए भाई हमारी जो विचारधारा हम तो वहां खड़े वो हम पे कौन क्या मनाएगा रुकेगा ये सारी चीजें जो है बहुत अर्ली है इन सब चीजों पे कोई टिप्पा टिप्पणी करना और सर सहयोगी दल हमेशा कहते हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव समय नहीं दे पा रहे मिल नहीं रहे हैं बांगर में भी यही बात हमको लगता है कि आपको पॉलिटिकल ज्यादा चिंता है अभी जो सही मूल्य में जो प्रश्न उस पर भी चर्चा हो जाए हमको तो पता नहीं आप लोग
कभी दीपिका पादुकोण के बारे में सवाल पूछते हो, कभी आप रिया चक्रवर्ती के बारे में सवाल पूछते हो, कभी आप मल्ला किसी और के बारे में पूछते हो, क्या मजदूरों की बात की जाए, क्या बेरोजगारी मिटाने की बात की जाए, क्या किसानों को बिचौलियों जमाखोर कॉर्पोरेटीकरण से बचाने की बात की जाए? मुद्दा क्या है? या तो आप ही लोग मुद्दा तय कर दीजिए, हम लोग उसी हिसाब से तैयार होकर के आएंगे। जनता के बीच में जाते हैं, उनके सहयोगी दल ही उनका विरोध करते हैं सर, तो कैसे जनता का विरोध कैसे हो पाएगा? सहयोगी दल ही सर अगर सवाल उठा देते हैं आपके चेहरे पर, तो जनता को कैसे कन्विंस कर पाएगा? वो बीजेपी कह रही है कि जीरो पे आउट किए थे लोकसभा में, इस बार भी वही हाल होगा। एक बात देखिए, हमने क्या बोला कि हमारे को कोई कितना भी अपमान करेगा, मेरा उनके लिए सम्मान है क्योंकि वो बड़े हैं। माता पिता ने हमको संस्कार दिया है कि बड़ों की इज्जत। हमारे पार्टी ने तो किसी के पार्टी में हस्तक्षेप करके एक दो राय नहीं दिया कि कौन नेतृत्व करेगा, कौन फल्ला का अध्यक्ष होगा, कौन उपाध्यक्ष होगा, कौन सेक्रेटरी होगा। ये तो सब पार्टी के निर्णय। अगर यही सवाल एक दूसरे से सब लोग उठाएंगे कि उसका नेतृत्व बदलो उस पार्टी में, उसका नेतृत्व बदलो उस पार्टी में, तो ये क्या इमैच्योर मोमेंट नहीं हुआ? ये तो बहुत ही अनुभव आदमी के द्वारा इतना इमैच्योर कमेंट जो है, तो इमैच्योर कमेंट है। कल को कोई भी फल्ला ए बी से सवाल पूछेगा कि आपको ए में ऐसे आप लिखो, कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो, तो ये बात उचित नहीं है। चिराग को लाने की क्या उम्मीद है? नाराज चल रहे हैं एनडीए से, इच्छा में आप क्यों इतना पीछे है।